हेलो अब्दुबान, वेलकम टू सी रमल उत्तरा क्लासेस। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, सेबी ग्रेड एग्जाम को टारगेट करते हुए। मेरे जैसे और भी ढेर सारे यूट्यूब चैनल हैं जो सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अगर मैं वीडियो के टाइप की बात करूँ तो जो टाइप की वीडियोज में डिस्कशन करा जा रहा है वो क्या है कि सेबी ऑर्गेनाइजेशन कैसे, क्या पावर है इसके पास, एक सेबी ग्रेड ऑफिसर की सैलरी कितनी है, मैं भी लेकर आया था वीडियो, सैलरी स्लिप दिखाई थी, फिर एक सेबी ग्रेड ऑफिसर का लाइफ स्टाइल क्या होता है, सेबी ग्रेडे का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका क्या पैटर्न हो सकता है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के ऊपर डिस्कशन चल रही है, सिलेबस के अंदर कोई टॉपिक के ऊपर आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया पूरा, कुछ रैंडम एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए गए। एट द एंड ऑफ द डे जो वीडियो लेकर आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर वो और कुछ नहीं, बस एक प्रमोशनल टूल है कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। अब ये वीडियोज आपको हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर आपके पास कोई बेस नहीं है। ये वीडियोज आपके लिए तभी हेल्पफुल है अगर आपने कोई टॉपिक को प्रिपेयर कर रखा है, कोई सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रखा है, और फिर आप ये वीडियोस को देखते हैं क्लियर करने के लिए, हाँ जो मेरी प्रिपरेशन है उसमें कोई एमसीक्यूज अगर डिस्कस करे गए या फिर पूरा टॉपिक को डिस्कस करा गया तो मेरे से कोई पार्ट मिस तो नहीं हो गया। अगर आप सेबी ग्रेडे के एग्जामिनेशन को दे चुके हैं तो आप सभी को पता है कि ये एग्जामिनेशन रट्टे मार के पास नहीं कर सकते आप, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको रिक्वायर्ड है। आज के दिन पे अगर आपको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप किताब पढ़ेंगे, आप नोट्स पढ़ेंगे, या फिर आपके पास लेक्चर, आपने कोई कोर्स को बाय कर रखा है तो आप उसको रेफर करेंगे, पहले नॉलेज गेन करेंगे, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके। एंड आई एम श्योर एमसीक्यूज बड़े सारे आपके गलत होने वाले, अच्छे खासे एमसीक्यूज लेना, एमसीक्यूज में आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए, एमसीक्यूज आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपकी कमी है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर। फिर उसके बाद आपको फिर नोट्स पढ़ने हैं जहां पे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कम थी उसको परफेक्ट करने के लिए। ये एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में। और ध्यान रखेंगे कि आप प्री के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप मेंस के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर जो आपका पेपर टू है उसको 90 मिनट्स का कर दिया गया, सभी को पता है, बहुत ज्यादा चर्चा होगी उसके ऊपर। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको अपनी प्रिपरेशन में कुछ ज्यादा चेंज करना चाहिए, जो मेहनत करेंगे वो इंस्टीट्यूट करेंगे, आपको अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करके देंगे। बट आज के दिन पे मैं आपको ये बोलूंगा कि आप प्री के एग्जामिनेशन में फुल प्रिपरेशन करके जाए फेज वन के एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि फेज वन से लेके फेज टू जो प्री से लेके मेंस का पीरियड रहेगा वहां पर आपको थोड़ी सी रिसर्च मोड में जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आपको वो 186 के नंबर में आना है जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर और कुछ डिस्कशन का पर्पस नहीं था, आप ये रैंडम यूट्यूब की वीडियोस देख के कि मैंने 4 वीडियोस देख ली, 10 वीडियोस देख ली तो कुछ हो जाएगा उससे, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। चलो बाकी अगर आपको और कोई डाउट रहता है तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक सेशन है जो हम इस संडे को करेंगे, इसमें एक सेबी ग्रेडे का ऑफिसर आएगा, इसमें डिस्कशन रहेगा, इन जनरल डिस्कशन है कि अगर आपको कोई डाउट है तो एक ऑफिसर रहेगा तो थोड़ा सा बेटर तरीके से वो आंसर कर पाएगा। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। अगर आपको मेरे कोर्स को रेफर करना है तो आप crmanluthraclasses.com पे जाके रेफर कर सकते हैं। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, एग्जामिनेशन तक मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा, अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे एप्लीकेशन पे जाके आप डाउट सेंड कर सकते हैं। चलिए इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ओके टाटा बाय बाय।